हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 3 हिंदी का कार्य पत्र 46 करेंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है जिस दिन आप इस कार्य पत्र को करोगे। बच्चों, हमारा अधिगम क्षेत्र है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, अधिगम बिंदु है दृश्य चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। बच्चों, नीचे हमें कुछ चित्र दे रखे हैं, उनको हमने देखना है, फिर उन चित्रों को देखकर हमने वाक्य लिखना है। ठीक है, तो पहला चित्र आप देखिए किसका है। यहाँ नीचे लोग खड़े हैं और लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चों, इसका वाक्य हमने बनाया है, सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हो, सब लोग आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारा पहला वाक्य बने, हमें चित्र को देखकर उसी के बेस पर वाक्य बनाना है। ठीक है, अब दूसरा है बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हैं जो खेल रहे हैं। ठीक है, क्या खेल रहे हैं आप ये देखो, यहाँ पर पत्थर लगा रखे हैं बच्चों ने। ठीक है, और पत्थर से वो गेंद से इनको मारेंगे, तो ये कौन सा खेल है, सितोलिया का खेल है। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पर हम लिखेंगे, बच्चे सितोलिया का खेल खेल रहे हैं। तो हमने चित्र भी देख लिया और बच्चे भी, तो जो चीज हम चित्र में देखेंगे वो हमने वाक्य में बतानी है। ठीक है बच्चों, दो वाक्य बन गए हमारे, बच्चे सितोलिया का खेल खेल रहे हैं। अब बच्चों, तीसरा है, लड़कियां कहाँ खड़ी हैं, स्कूल में खड़ी हैं। ठीक है, तो स्कूल में लड़कियां खड़ी है, ड्रेस भी पहन रखी है, यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो बच्चों, हमने इसका वाक्य बनाया है, लड़कियां विद्यालय में पहुंच गई हैं। तो आपको कोई दिमाग में और वाक्य आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों, चौथा चित्र है, बैंक का दे रखा है, वहां पर ऊपर देखिए आप लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, और ये बाहर का दृश्य है। ठीक है, क्योंकि अंदर तो व्हीकल जाते नहीं है और ये बाहर व्हीकल खड़े हैं, मोटरसाइकिल स्कूटी, तो इसका मतलब बैंक के बाहर का दृश्य, और लोग भी खड़े हैं, भीड़ बहुत है। तो हमने इस पर वाक्य बना दिया है, बैंक के बाहर भीड़ बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वाक्य बनाने थे चित्रों को देखकर जो हमने बना लिए हैं। आप भी अपनी वर्कबुक कंप्लीट करके अपने टीचर जी को दिखाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।